मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पॉल्यूशन के चलते धरती में पानी पूरी तरह से पोल्यूट हो चुका है और अब इंसानों को अपने सर्वाइवल के लिए प्योर वाटर मिलना मुश्किल हो रहा था और अर्थ पर इंसान एक्सटिंक्शन के कगार पर थे। फिर हमें एक बहुत ही टैलेंटेड एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर सोंग जियान को दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी का डायरेक्टर उन्हें बैलहे स्टेशन में जाने के लिए कहता है जो कि मून पे है, जहाँ पर एक रेडिएशन लीक का हादसा हुआ था और 5 साल पहले उस स्टेशन को बंद कर दिया गया था और अब कुछ साइंटिस्ट की टीम वहाँ जा रही है और डॉक्टर जियान खुद भी उस स्टेशन पर जाना चाहती थी क्योंकि उस स्टेशन पर डॉक्टर की बहन पहले से काम कर रही थी और अब उस स्टेशन पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और डॉक्टर को अपनी बहन का आखिरी मैसेज मिला था जिसमें लिखा था फाइंड लूना। फिर हमें कंपनी के हेडक्वार्टर्स में सारे साइंटिस्ट के टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर कहता है कि उन लोगों को उस स्टेशन में जाकर कुछ जरूरी सैंपल्स को लाने हैं और वो सैंपल एक कैप्सूल में बंद है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि उस कैप्सूल में क्या है। फिर वो सारे लोग स्पेस शटल में बैठकर टेक ऑफ करते हैं और मून पर लैंडिंग के समय स्पेस शटल में कुछ खराबी आने के कारण वो सीधा मून पर क्रैश लैंड करते हैं और क्रैश लैंडिंग से एक मेंबर सीरियस इंजर्ड हो जाता है और अब उन लोगों को 7 किलोमीटर पैदल चलना होगा बैलहे स्टेशन तक पहुंचने के लिए, पर रास्ते में ही उस जख्मी मेंबर की डेथ हो जाती है और अब उनको जल्दी से स्टेशन के अंदर जाना होगा वरना वो लोग भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे जाते हैं। पर वो सही सलामत किसी तरह स्टेशन में पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक आदमी की लाश देखते हैं, पर उस लाश में बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि उसको देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसकी पानी में डूबने से मौत हुई हो, पर मून पर पानी तो है ही नहीं और ये बात सभी लोगों को बहुत ही अजीब लग रही थी। फिर वो लोग रेडिएशन का लेवल चेक करते हैं और उन्हें रेडिएशन का लेवल बिल्कुल ही नॉर्मल लगता है और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उनको बताया गया था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेडिएशन फैली हुई है। फिर वो लोग आगे जाते हैं और स्टेशन के इमरजेंसी पावर को ऑन करते हैं। उन्हें बताया गया था कि वो सैंपल 3 स्टोरेज में रखा गया था और अब वो लोग अलग अलग टीम बनाकर उन तीनों स्टोरेज की तरफ जाते हैं और अब उनमें से एक टीम जैसे ही स्टोरेज के गेट को खोलते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारे डेड बॉडीज मिलते हैं और जब वो डॉक्टर उनको अच्छे से चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग भी पानी में डूब कर ही मरे हैं, पर मून में इतना पानी आया कहाँ से। और अब डॉक्टर कहती है कि अगर उसे रिसर्च करने का समय मिले तो वो पता लगा सकती है कि इन सब की मौत कैसे हुई है, पर यहाँ कैप्टन हान कहता है कि उन लोगों को बस वो सैंपल लेना है और यहाँ से निकलना है, अपने मिशन पर फोकस करो। फिर स्टोरेज 1 में उस टीम को कुछ भी नहीं मिलता और टीम 2 को भी वहाँ का स्टोरेज खाली मिलता है और फिर टीम 2 को जमीन पर एक डेड बॉडी के पास एक अच्छे कंडीशन का कैप्सूल दिखता है और वो उस कैप्सूल को लेने की कोशिश करता है, पर तभी वो मेंबर वहाँ मौजूद डेड बॉडी से इन्फेक्ट हो जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। और उधर दूसरी तरफ कोई चीज है जो कि उस कैप्सूल को वहाँ से ले जाती है। उधर हम टीम 3 को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर और उसका मेंबर उस कैप्सूल को ढूंढ रहे थे, पर तभी डॉक्टर एक सीक्रेट स्टोरेज को ढूंढने के लिए जाती है जिसके बारे में उसकी बहन ने उसे बताया था, पर डॉक्टर को भी वो स्टोरेज वहाँ नहीं मिलता और वो लौटने लगती है। और दूसरी तरफ उसका साथी मेंबर उस स्टोरेज में अकेले जाकर उस कैप्सूल को ढूंढने लगता है और उसे एक कैप्सूल मिल जाता है जो बिल्कुल सही कंडीशन में था और उसके अंदर पानी जैसी लिक्विड चीज थी। फिर वो कैप्सूल को लेकर स्टोरेज से बाहर आ रहा था तभी वहाँ कोई चीज उस पर अटैक कर देती है और जब डॉक्टर अंदर जाती है तो वो अपने साथी मेंबर को मरा हुआ पाती है और कैप्सूल को भी वो चीज लेकर चली गई थी। फिर हमें वही मेंबर दिखाई देता है जो इन्फेक्ट हो चुका था और अब उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और अचानक से उसके मुंह से बहुत सारा लिक्विड बाहर निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और इसी दौरान उसके शरीर से बहुत सारा लिक्विड निकलने लगता है और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। और अब कैप्टन डॉक्टर को रिसर्च करने का ऑर्डर दे देता है ताकि वो लोग उसकी डेथ का कारण जान सके। डॉक्टर को रिसर्च के लिए अकेले छोड़कर बाकी टीम मेंबर अपने मिशन पर फोकस करते हैं और तभी उन्हें एक बायो सिग्नल मिलता है जो कि लेवल 1 से आ रहा होता है, पर लेवल 1 का SS उनमें से किसी के पास नहीं होता। फिर कैप्टन धरती पर डायरेक्टर को वीडियो कॉल पर लेवल 1 की SS मांगता है और वहाँ पर हो रहे हादसे के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि यहाँ उन्हें कोई भी रेडिएशन के सबूत नहीं मिले और अगर वो लोग कुछ ऐसी बात छुपा रहे हैं जिसकी वजह से मिशन पर आए हुए लोगों की जान खतरे पर है तो वो लोग कभी भी इस मिशन को पूरा नहीं करेंगे, पर डायरेक्टर यहाँ कुछ भी नहीं कहती। अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो सारे सैंपल को चेक कर रही थी और अपने मेंबर के ब्लड सैंपल में ब्लड की जगह बहुत सारे लिक्विड टाइप का सब्सटेंस देखती है और फिर डॉक्टर ट्राई करने के लिए उसके ब्लड सैंपल जो कि पानी की तरह दिख रहा था उसमें अपने ब्लड को मिलाती है और यहाँ हमें मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। जैसे ही वो ब्लड उस वाटर से मिलता है वो वाटर बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है और हमें पता चलता है कि इस वाटर के इन्फेक्शन के कारण ही मरे हुए लोग डूब के मरते हुए दिखाई देते हैं। और अब वो ये सारी बात कैप्टन को जाके बताती है और वो कहती है कि ये वाटर एक तरह का वायरस है और जब तक वो जिंदा ब्लड के कॉन्टेक्ट में है तब तक वो वाटर मल्टीप्लाई होता जाएगा और शायद यहाँ मौजूद वो साइंटिस्ट इसके मल्टीप्लीकेशन को कंट्रोल करने से पहले ही इस वायरस से मारे गए। और अब डॉक्टर लेवल 1 में जाने की जिद करती है क्योंकि उसकी बहन ने इस वाटर की खोज की थी और वो वाटर के सैंपल जरूर
जरूर ही लेवल 1 में होंगे। फिर वो लोग किसी तरह लेवल 1 में पहुंचते हैं और स्टोरेज में देखते हैं और उन सारे कंटेनर्स में बहुत सारे वाटर मिलते हैं और वो लोग कुछ सैंपल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तभी उनमें से एक क्रू मेंबर पर कोई चीज हमला कर देती है और वो चीज बहुत ही फास्ट थी और अब सारे लोग मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं। पर तभी वहां से एक कैप्सूल फट जाता है और जैसे ही वो वाटर जख्मी मेंबर के ब्लड के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो वाटर की मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है और सारे लोग भाग के जल्दी से स्टोरेज से बाहर निकलते हैं। पर उनका एक मेंबर उसी चीज से टकरा कर घायल हो जाता है। फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं पर तभी हमें अचानक से वो चीज वहाँ दिखाई जाती है और वो चीज एक छोटी सी बच्ची थी और उसी का नाम लूना था, जिसके बारे में डॉक्टर की बहन ने डॉक्टर को बताया था। फिर लूना उस कैप्सूल को लेकर जाने लगती है, तभी उनमें से एक मेंबर उस पर गोली चला देता है और गोली से उसके हाथ में रखा कैप्सूल फट जाता है और उसका वाटर लूना पर गिरता है और उस वाटर के कॉन्टेक्ट में आते ही उसके घाव भरने लगते हैं और वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो सारे लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं और वो डिसाइड करते हैं लूना को पकड़ने का, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो जरूर कहीं ना कहीं लूना से कनेक्टेड है। फिर वो लोग एक कैप्सूल को एक रास्ते पर रख देते हैं और लूना का इंतजार करने लगते हैं और फिर वहाँ लूना आ जाती है और फिर वो लोग दोनों तरफ से डोर को बंद करने लगते हैं। पर लूना बहुत ही फास्ट थी और वो दरवाजा बंद होने से पहले ही उस दरवाजे को पार करने लगती है, पर उसका एक पैर वहाँ फंस जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है और ये देखकर डॉक्टर लूना की मदद करने के लिए वहाँ पहुँचती है और अब वो लोग लूना को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हमें एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरी कंपनी से मिला हुआ था और बहुत सारे पैसे के लालच में वो सारे कैप्सूल को लेकर वहाँ से निकलने लगता है और वो सीधा कंट्रोल रूम में जाता है और सारे सिस्टम को शट डाउन करने लगता है और इसी बीच लूना भी उनके हाथ से छूटकर भाग जाती है और डॉक्टर यहाँ उसका पीछा करते करते उसके रूम के पास पहुँच जाती है और डॉक्टर को यहाँ उसके रूम में अपनी बहन की बहुत सारी फोटोज मिलती है और डॉक्टर को वहाँ पर एक डेस्क भी मिलता है जिसमें यहाँ पर चल रहे इलीगल एक्सपेरिमेंट को डॉक्टर देखती है और इस एक्सपेरिमेंट में न जाने कितने लोगों ने इस वाटर के लिए अपनी जान दी और फिर लूना ही थी जिसके ऊपर ये वाटर काम कर गया और लूना को बहुत सारी एबिलिटीज भी मिली। और फिर ये सब जानकर डॉक्टर को बहुत ही गिल्ट फील होने लगा। फिर वो वाटर लेकर लूना के घाव पर लगाती है ताकि उसके घाव भर जाए। दूसरी तरफ हमें वही मेंबर दिखाया जाता है जो डबल क्रॉस करके वाटर हासिल करना चाहता था और उसने सारे वेंटिलेशन सिस्टम को ऑन कर दिया था, जिसके कारण वो इन्फेक्टेड वाटर पूरी स्टेशन पर फैलने लगा था। और तभी कैप्टन उस गद्दार मेंबर को पकड़ लेता है पर तभी वो कैप्टन को धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। पर जैसे ही वो वेंटिलेटर में मिले वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो तुरंत ही वाटर का मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन बाकी सारे लोगों को जल्दी से इस स्टेशन से निकलने को कहता है क्योंकि ये स्टेशन में चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स फैल रही थी। और तभी डॉक्टर देखती है कि वो इन्फेक्ट हो गई है और वो खुद को एक चेंबर में बंद कर लेती है। पर थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। पर तभी यहाँ उसके साथी डॉक्टर कहती है कि लूना का डीएनए इस्तेमाल करके उसने डॉक्टर को बचाया है और अब लूना का डीएनए एक तरह का एंटीडोट है जो कि वाटर की मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है। फिर वो लोग अर्थ पर आने के लिए एक शटल की डिमांड करते हैं और लूना के बारे में भी बताते हैं और यहाँ वो लोग कहते हैं कि अभी भी ये वाटर बहुत ही अनस्टेबल है और बहुत ही खतरनाक है और अभी इस वाटर पर बहुत सारे टेस्ट करने बाकी हैं और अगर लूना धरती पर गई तो वहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह लूना को देखा जाएगा और वहाँ पर मौजूद सारे साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे। पर अब वो लोग फिलहाल इस स्टेशन से बाहर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि उस स्टेशन में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था। और फिर हमें वही मेंबर को दिखाया जाता है जिसने इन सबको डबल क्रॉस किया था और कैप्टन यहाँ उसको गोली से मार देता है और फिर वो लोग एयर प्रेशर चेंबर को एक्टिवेट करते हैं पर वो चेंबर खराब हो गया था और अब उन लोगों में से किसी एक को अंदर से एयर प्रेशर चेंबर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और हम यहाँ देखते हैं कि कैप्टन खुद ही अंदर चला जाता है और डॉक्टर और लूना को बाहर की तरफ लॉक करके चेंबर को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो यहाँ से जिंदा बाहर निकल सके। फिर डॉक्टर, लूना और डॉक्टर की एक साथी दोस्त तीनों बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि लूना ने अपने स्पेस सूट को निकाल दिया था और फिर वो देखते हैं कि लूना बिना किसी भी ऑक्सीजन की मदद से मून पर जिंदा है और शायद वो ऐसा उस वाटर की मदद से कर पा रही थी। तभी हम कैप्टन को देखते हैं जो कि पानी के प्रेशर से बाहर की ओर फेंक दिया जाता है और लूना उसके पास जाके उसको एक आखिरी गुड बाय कहती है और फिर हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। पर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि आगे लूना के साथ क्या होता है और वो कैप्टन बच पाता है कि नहीं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।